Welcome to Anjana Thanki's Kitchen. Hi mom. Hello, hello. आज क्या बनाने वाले हो आप? आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ तूने कभी सोचा भी नहीं होगा. अच्छा? हाँ. ऐसा क्या? मार्केट में बहुत ही अच्छे संतरे ऑरेंज आ रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना ऑरेंज से ही कुछ ऐसी चीज बनाए जो बच्चे और बड़े सब खा सके और बहुत ही टेस्टी लगे. वो क्या चीज है? वो है ऑरेंज जूस से हलवा. ऑरेंज जूस का हलवा है? यस. ये क्या बात कर रहे हो? बहुत ही टेस्टी बनेगा. और चलिए इसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं. सबसे पहले तो ऑरेंज का जूस निकाल लेते हैं. ओके, चलिए. अभी ऑरेंज का जूस निकाल लिया है जी. एक बाउल अरारोट लिया है जी. आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं. अरारोट मैंने इसलिए लिया है कि वो फास्टिंग वाले लोग भी खा सके. अच्छा, ओके. जितना लोट है उतना ही शुगर. ओके. और थोड़ा सा घी. ऑलराइट. एक बड़ी चम्मच. ओके, चलिए तो फिर बनाते हैं. सबसे पहले एक कढ़ाई ली है. ओके. कढ़ाई में ये एक बाउल शुगर मैंने डाल दिया. ऑलराइट. अभी इसमें मैं दो बाउल जितना ऑरेंज जूस डालूंगी. ओके. और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये शुगर जो है ना वो इसमें पिघल जाए. अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखा है, ऐसे ही मिक्स कर लेंगे. अभी जो ये जूस बचा हुआ है ना जी, इसमें ये जो अरारोट है ना वो इसमें मैं डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी. ओके. बिल्कुल ही लम्स नहीं रहना चाहिए. और ये जिन जिनको मालूम नहीं, ये एरो रूट जो हम लोग एक्चुअल में एरो रूट है बट लोग अरारोट बोलते हैं या लोट बोलते हैं जी, वो है क्या एक्चुअल में मम? वो पोटैटो स्टार्च. अच्छा. पोटैटो का जो छीन के उसका जूस निकालते हैं और हाँ. उसके नीचे जो बच जाता है ना उसे फिर सुखाते हैं. अच्छा. तो उसका जो स्टार्च रह जाता है वो. हाँ. तो ये पोटैटो स्टार्च है. तो ये उपवास में भी आप खा सकते हैं. ओके. देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है. अभी हम जाते हैं गैस स्टोव की ओर. ओके. सबसे पहले हलवा को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया है ताकि फटाफट हम उसमें हलवा को सेट कर सकें. ओके. अभी हमने जो शुगर सिरप बनाने के लिए रखा था रेडी, उसे गैस के ऊपर रख दिया है और गैस को ऑन कर लिया है और स्लो आंच पे शुगर को बराबर पिघलाना है. ओके. इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर डालूंगी. ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डाल सकते हैं. इससे ये जो बर्फी बनेगी या हलवा बनेगा उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा. ऑलराइट. और इसे हम मिक्स करते रहेंगे 2-3 मिनट. शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसमें. अभी इस टाइम पे जो हमने ये घोल रेडी कर दिया था हाँ जी, वो इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे और इसे फास्ट फास्ट मिक्स करते जाएंगे. याद रहे ऑरेंज थोड़ा सा मीठा होना चाहिए. अगर थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा है तो आप शुगर ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं. वैसे रेशियो ये है कि एक बाउल आटा है तो एक बाउल शुगर चाहिए. ऑलराइट. और अभी इसे हम मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यूसली क्योंकि वरना फिर लम्स हो जाएंगे इसमें. तो इस तरह से स्लो आंच पे ही मिक्स करेंगे. ओके. 5 ही मिनट में ये देखो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा. अभी दिख रहा होगा आपको इसमें डिफरेंट कलर जो हो रहा है वो इस गाढ़ेपन का है. तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है. वाओ, कितना मस्त गाढ़ा होने लगा ये है तो. ना. देखिए अच्छी तरह से एकदम इसी टाइम पे हम गैस को थोड़ा और हल्का कर देंगे. ओके. स्लो आंच पे ही अच्छा बनता है ये. इसे अभी हम 2 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे. ओके. और इस टाइम पे जैसे ही गाढ़ा हो जाता है ना इस टाइम पे हम इसमें आधा घी डाल देंगे. ओके. और इसे मिक्स कर देंगे. एक चम्मच लिया था उसमें से आधा डालना है और एकदम हलवा में मिक्स हो जाना चाहिए. तब तक इसे हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे. ओके.
की बराबर इसमें मिक्स हो चुका है। अभी जो बचा हुआ जितना भी की है वो सब हम इसमें डाल देंगे और फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे। इससे एकदम अच्छा ग्लोसी, हाँ एकदम ग्लॉस आ गया, देखिए इसमें शाइन आ गया है। हाँ, शाइनी हलवा हो जाएगा एकदम लिस्सा लिस्सा। गुजराती लैंग्वेज है लिस्सा। देखिए एकदम कड़ाई है ना, वो हलवा से अलग होने लगी है। तो समझ लीजिए अपना हलवा रेडी हो चुका है। इसमें कोई हम फ्लेवर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑरेंज की फ्लेवर है। अभी इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ओके, तो इस तरह से पूरा हलवा इसमें निकाल के हम प्लेट में सेट कर देंगे। ओके, तो देखिए हलवा को इस तरह से मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अभी हम इसे 10 मिनट ठंडा होने देंगे और उसके बाद कट लगाएंगे। ओके, हल्का सा ठंडा हो चुका है हलवा, अभी हम इस तरह से इसमें कट लगा देंगे। हाँ मॉम, तो अभी क्या करना है? अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए कोकोनट पाउडर लिया है। ओके, और इसमें जो हमने ये हलवा कट करके रखा है ना उसको कट करेंगे। देखिए इस तरह से एकदम इतना मस्त दिखेगा ना कि बच्चे बड़े सब बोलेंगे जल्दी से खा ले। एकदम कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना, तो हाँ बढ़िया लग रहा है। देखिए ऐसे ही देखो एकदम मस्त कटिंग भी हुआ है, एकदम इजीली निकल गया है और अभी एकदम हम स्पंजी स्पंजी है। हाँ, तो सारे जितना भी हलवा है वो इस तरह से अभी हम कट कर लेंगे। तो देखिए रेडी है एकदम लाजवाब ऑरेंज का हलवा। बॉम्बे कराची हलवा का एक डिफरेंट वेरिएंट। और ये जैसे मैंने ऑरेंज जूस के साथ बनाया है ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट जूस के साथ भी ये हलवा बना सकते हैं। जैसे मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, वाटरमेलन है और कौन सा भी हो गया, हाँ कौन सा भी जूस है उसी के साथ उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप ये बना सकते हैं। देखिए तो फिर बॉम्बे कराची हलवा तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये बस उसका एक और नया वेरिएंट है और बहुत ही बढ़िया वाला है, एकदम टैंगी टेस्ट भी आता है ऑरेंज का और मीठा मीठा भी, तो एकदम खट्टा मीठा, मतलब आहा क्या कॉम्बिनेशन है, मज़ा ही आ जाएगा। तो जल्दी से ऑरेंज लेके आइए, हलवा बनाइए और फटाफट घर में सबको खिला दीजिए। हाँ जी। और फिर हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू थैंक यू।